दुनिया भर के लेजेंड्स में वेयरवुल्फ या मानव भेड़ियों के किस्से मौजूद हैं। ये ऐसे इंसान थे जो अपनी शक्ति या मजबूरी की वजह से भेड़ियों में तब्दील हो जाते थे। ऐसा किसी वेयरवुल्फ द्वारा काटे जाने या फिर किसी सैटैनिक पैक्ट की वजह से होता था। शुरुआत से ही इंसान और भेड़ियों की दुश्मनी रही है, क्योंकि वुल्फ्स अक्सर इंसानों की जान ले लेते थे, लेकिन उनकी शक्ति देखकर ही शायद इंसान ने भेड़िया बनने के बारे में सोचा होगा। विज्ञान सुपरनैचुरल पर विश्वास नहीं करता। उनके अनुसार वेयरवुल्फ एक कल्पना या कोई मानसिक बीमारी से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इतिहास में वेयरवुल्फ्स के जेन्युइन केसेस मौजूद हैं, जिन्हें डिस्कवर किया गया, उनका ट्रायल किया गया और उन्हें एग्जीक्यूट भी किया गया। आज के एपिसोड में हम वेयरवुल्फ्स के कुछ डार्क और रियल अननोन केसेस के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। प्राचीन काल में जो लोग भेड़ियों में तब्दील होने की शक्ति रखते थे, उन्हें एक खास मेडिकल कंडीशन का शिकार माना जाता था, जिसे लिकैंथ्रोपी कहते हैं। लेकिन जो लोग सुपरनेचुरल पर विश्वास रखते थे, उनके अनुसार किसी मानव का भेड़िए में तब्दील होना जादू टोने के जरिए या किसी देवता के श्राप के जरिए संभव था। गायस पेट्रोनियस आर्बिटर एक रोमन कोर्टियर और जाने माने ऑथर थे। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खुद एक व्यक्ति को भेड़िए में तब्दील होते ना केवल देखा था बल्कि उसे लिखा भी था। 60 एडी में पेट्रोनियस को एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। भले ही वो एंशियंट टाइम था, लेकिन किसी अंधविश्वास को मानने वाले व्यक्ति को कोर्टियर की उपाधि नहीं दी जाती थी, बल्कि उसे मंदबुद्धि माना जाता था। ऐसी स्थिति में पेट्रोनियस का इस इंसिडेंट के बारे में लिखना काफी स्ट्रेंज और फैसिनेटिंग है। अपनी टेस्टिमनी में पेट्रोनियस ने लिखा, वो एक शाम वॉक के लिए अपने साथी सोल्जर के साथ निकले थे, जो उनके अनुसार काफी दमदार और निडर था। ये पूर्णिमा की रात थी, चांद की रोशनी इतनी ज्यादा थी जैसे कि वो दिन का समय हो। कुछ प्राचीन मॉन्यूमेंट्स के पास पहुंचते ही वो सोल्जर जैसे तारों से बातें करने लगा। पेट्रोनियस मन में गाते हुए और तारों को देखते हुए आगे बढ़ते रहे, जैसे उन्हें इस दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। अचानक उन्हें एहसास हुआ वो सोल्जर काफी पीछे रह गया है। पेट्रोनियस ने पलटकर जो नजारा देखा वो काफी डरावना था। सोल्जर ने अपने कपड़े उतारकर सड़क के किनारे रख दिए थे और कुछ ही सेकंड्स में वो एक भेड़िए में बदल गया और जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। डर के मारे पेट्रोनियस रास्ते पर आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। वो जब अपने मित्र के फार्म तक पहुंचे तो वहां एक किसान को देर से आने के लिए डांटा जा रहा था। किसान ने बताया एक भेड़िया उसके खेत में घुस आया और उसने सारी कैटल्स को मार गिराया था। पेट्रोनियस को सोल्जर याद आया जो भेड़िए में बदल कर उनसे काफी पहले ही यहां तक पहुंच चुका था। किसान ने आगे बताया कि एक नौकर ने भेड़िए को औजार से मारकर भगा दिया था। रात भर बेचैन रहने के बाद सुबह होते ही पेट्रोनियस अपने घर पहुंचते हैं। वहां उन्होंने उसी सोल्जर को एक सर्जन से अपने घाव का इलाज करवाते पाया। पेट्रोनियस को यकीन हो चुका था कि ये वही भेड़िया था जो उस किसान के खेत में गया था, जिसे उसके नौकर ने घायल किया था। पीटर स्ट्यूब, यो 1590 में बैडबर्ग में एग्जीक्यूट कर दिया गया एक ऐसा वेयरवुल्फ जो शायद इतिहास के सबसे खौफनाक और डार्क वेयरवुल्फ में से एक था। रिटन डॉक्यूमेंट के अनुसार पीटर जवानी से ही इवल की तरफ काफी आकर्षित था। ऐसा माना जाता है कि उसने डेविल के साथ एक सौदा किया था। पीटर को दुनिया के ऐश्वाराम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने डेविल के सामने इच्छा जाहिर की कि वो किसी बीस्ट के फॉर्म में इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सेटन ने उसे एक गर्डल दिया जिसकी मदद से वो जब चाहे एक खूंखार भेड़िए में परिवर्तित हो सकता था। ये शक्ति मिलते ही पीटर काम पर लग गया। आज तक उसे जिसने भी तकलीफ पहुंचाई थी या उसका अपमान किया था, उन सब का समय अब पूरा हो चुका था। भेड़िए के रूप में उन्हें मारते मारते पीटर को खून का स्वाद पसंद आ गया था। इसके बाद उसने बिना वजह ही खून करना शुरू कर दिया। वो बड़े ही शातिर तरीके से बैडबर्ग की गलियों में घूमता।
अपने शिकार के परिवारजनों और रिश्तेदारों को ग्रीट करता और अकेला पाकर अपने शिकार को मारकर उसका मांस खा जाता था। वो रात के समय फील्ड्स और जंगल में बैठकर इंतजार करता। अपना शिकार नजर आते ही भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होकर उनकी जान ले लेता। पीटर का केस काफी ईरी और डार्क इसीलिए था क्योंकि उसे सिर्फ मर्डर के लिए एक्सिक्यूट नहीं किया गया था, बल्कि उसने रेप्स भी किए थे। वो रात होते ही घात लगाकर अकेले में महिलाओं का इंतजार करता था। इंसान के रूप में रहते हुए ही उनके साथ जबरदस्ती करता और फिर वोल्फ बनकर उनकी हत्या कर देता था। उसका दावा था कि वो जब वोल्फ बनता है उसके दौड़ने की रफ्तार डिस्ट्रिक्ट के बड़े से बड़े एथलीट से भी ज्यादा हो जाती है, इसलिए उस शहर में कोई भी पीटर से सुरक्षित नहीं था। कुछ सालों के अंदर ही पीटर ने 13 बच्चों और 2 प्रेग्नेंट महिलाओं को ब्रूटली खत्म किया था। इसके अलावा उसने सैकड़ों मवेशियों को चीर फाड़ कर उनका मांस खाया था। इतना ही नहीं, पीटर अपनी ही बहन और बेटे के साथ इंसेस्ट में भी शामिल था। उसने खुद के बच्चे की जान ली थी और उसके स्कल से दिमाग निकालकर खा गया था। पीटर को पकड़ने के कई अटेम्प्ट्स के बावजूद वो इसी तरह शिकार करता रहा। 25 सालों तक पीटर एक मानव भेड़िए के रूप में लोगों को प्रताड़ित करता रहा। पीटर अक्सर बच्चों का शिकार करता था क्योंकि ये उसके लिए काफी आसान होता था, लेकिन वो खास तौर पर छोटी बच्चियों को टारगेट करता था। उसका कहना था कि छोटी बच्चियों का गोश्त बेहद स्वादिष्ट होता है। एक दिन ईश्वर की मर्जी से ही वो अपने असली रूप में पकड़ा गया। कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और अपने कुत्ते उसके ऊपर छोड़ दिए थे। पीटर को लगा अब वो बचकर भाग नहीं पाएगा, तो वो अपने इंसान के रूप में वापस आ गया। लोग उसे देखकर हैरान थे कि ये वही सीधा और सभ्य पीटर स्ट्यूब है। उन लोगों ने स्ट्यूब को टॉर्चर रैक में बांध दिया। उसने सभी अपराधों को कबूल किया। उसके बाद उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया। उसके सर को काटकर अलग किया और सारे शरीर को जलाकर राख कर दिया गया। ये शायद वेयरवुल्फ से संबंधित दुनिया का सबसे डार्क केस था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।